हो पढ़ रहेंगे गज़ल। सो ही गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक न्यू ट्यूटोरियल जो कि इंस्टाग्राम के रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा था पिछले दिनों से। तो मैंने सोचा एक ट्यूटोरियल बना के ला लिया जाए। तो यार, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसमें एक वाटर इफेक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को बनाना सीखते हैं। तो यार, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक पर टैप करके इस प्रकार से आ जाओगे। तो उसके बाद यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ से सेव टू डाउनलोड कर लेना। उसके बाद मैंने पिन करके भी रखा हुआ है एलाइट मोशन को, ठीक है। तो यहाँ से भी इसको एलाइट मोशन को डाउनलोड कर सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो नोट वीडियो है, कैपकेट है, सुपर वीपीएन है, मेन चीज़ हमारा जो है वो बीटमार्क प्रीसेट है। ऐसे टैप करके करोगे, टैप कर दोगे तो यहाँ पर आपका एलाइट मोशन ऐप ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ से इम्पोर्ट कर लेना, ठीक है। तो मेरा इम्पोर्ट है इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से हम करेंगे एलाइट मोशन ऐप को फिर से ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद देख सकते हो मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो कि है टैक्स इफेक्ट प्रीसेट, उसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। वहाँ से इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपने जो बीटमार्क इंपोर्ट किया होगा वो इस टाइप से आएगा, ठीक है। आपने जो यहाँ पर टेलीग्राम से बीटमार्क इंपोर्ट किया है ये वो वाला बीटमार्क है, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। अगर आपको बीटमार्क लगाना नहीं आता तो सिंपल से प्लस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 9.16 ले लेंगे। उसके बाद 1080p पे 60fps के साथ ब्लैक स्क्रीन सिलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इस टाइप से आ जाएगा, प्लस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर आपका जो मीडिया है वो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आके आपका जो वीडियो वहाँ से डाउनलोड किए थे टेलीग्राम चैनल से उसको यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास वीडियो वहाँ से डाउनलोड नहीं किए होंगे तो यूट्यूब से भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वीडियो लेने के बाद इसका वीडियो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसका जो ऑडियो है उसको स्ट्रैक कर लेंगे, ओके। स्ट्रैक करने के बाद ये जो वीडियो है उसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। सो गाइस, बीट मार्क लगाने के लिए यहाँ पर हम सिंपल से पहले बीट पर जाएंगे, उस कॉल सेट को वहाँ पर रखेंगे। उसके बाद ऐसे टैप कर देंगे तो बीट मार्क लग गया। उसके बाद सेकेंड बीट पर जाएंगे, उसके बाद कॉल सेट को ऐसे रखेंगे, उसके बाद एक टैप करेंगे तो हमारा बीट मार्क है वो लग जाता है, ठीक है। ऐसे टैप कर लेना। उसके बाद यहाँ से सब पर यहाँ पर बीट मार्क लगा दें, जितना भी आपका बीट आता है वहाँ से वहाँ पर जाके कॉल सेट को लेके ऐसे टैप करके यहाँ से बीट मार्क लगा लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा जो बीट मार्क है सारा यहाँ पर लग चुका है। उसके बाद हमको सिंपल से प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर टैक्स पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा पहला लाइन था दो वाव था ऐसे टैप कर दिए। उसके बाद यहाँ पर ऐसे यहाँ पर टैप करके बराबर कर लेना, ठीक है। बराबर करने के बाद रोबोट टेबल पर क्लिक कर देना, व्यू ऑल फोन पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ से थ्री लाइन है, थ्री लाइन पर क्लिक कर देना, इंपोर्ट को हटा देना, ठीक है। इंपोर्ट फोन पर क्लिक कर देना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा फॉन्ट है वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सारा फॉन्ट मैंने दे दिया है, तीन फॉन्ट दिया है उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ऐसे टैप करके इंपोर्ट कर सकते हो, मेरा पहले से इंपोर्ट है। यहाँ से इंपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं और जो मैंने यूज़ किया था फर्स्ट फॉन्ट वो ये वाला है, ठीक है। ऐसे इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसका जो साइज है यहाँ से हम 64 रख लेंगे। सिंपल से यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अच्छे से यहाँ पर वीडियो को जो हमारा सॉन्ग है उसको प्ले करके देख लेना, जहाँ जहाँ बीट आता है वहाँ पर बीट मार्क लगा लेना, ठीक है। उसके बाद लेयर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ड्यूरेशन पर जाकर इसको यहाँ से ट्रिम टू राइट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम मूव ऐड करेंगे, ठीक है। उसके लिए मूव ट्रांसफर पर जाएंगे। उसके बाद ये वाला मूव ऑप्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट पर जाएंगे, एक प्लस ऐड कर देंगे, ठीक है। एक प्लस जैसे ऐड कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम बीच पर जाएंगे, बीच पर एक प्लस ऐड करेंगे, इस प्रकार से देख सकते हो, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर लास्ट पर जाकर एक प्लस ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वाले प्लस पर आकर इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, इस प्रकार से मूव कर देंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से यहाँ पर मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना आपको भी। उसके बाद यहाँ पर हम जो बीच वाला है उसको ऐसे रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट वाले पर जाकर इसको यहाँ पर राइट साइड लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छे से यहाँ पर इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट वाले और लास्ट वाले बीच वाले दोनों के बीच में लेके जाएंगे कॉल सेट को। इसके बाद इस प्रकार से कप को ऑन कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लेना सेम, ठीक है। उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बीच वाले और लास्ट वाले दोनों के बीच में जाके इसको ऐसे थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको ऐसे पेस्ट कर देना होगा,
ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पर नीचे कर लेना, इस प्रकार से बन जाएगा। सो गाइस यहाँ पर हम सिंपल से रोटेट ऐड करेंगे, तो रोटेट ऐड करने के लिए लेयर पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद मूव ट्रांसफर पर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले रोटेट पर जाएंगे, ये रोटेट वाला ऑप्शन है, फर्स्ट पर एक प्लस और बीच पर एक प्लस और एंड पर एक प्लस, ठीक है। टोटल 3 प्लस ऐड करेंगे, फर्स्ट वाले प्लस पर जाकर इसको -10 डिग्री कर देंगे, बीच को ऐसे रहने देना, उसके बाद लास्ट पर जाकर इसको यहाँ पर 10 डिग्री प्लस में कर लेना, ठीक है। इस टाइप से कर लेते हो, उसके बाद रोटेट ऐड हो गया, ठीक है। इस प्रकार से बन गया फर्स्ट जो लिरिक्स था, सेकंड लिरिक्स बनाने के लिए इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसी लेयर पर क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से ऐसे कॉपी लेयर कर लेंगे, ठीक। कॉपी लेयर करने के बाद बीट मार्क पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ से इस पर ऐसे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो लेयर पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद ड्यूरेशन पर जाकर इसको ला लेंगे राइट साइड, ठीक है। इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर देंगे, टेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद जो हमारा थर्ड लिरिक्स था वो था के, ठीक है। यहाँ पर मैं के लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर इस पर बराबर ला लेंगे, रोबोट रेगुलर पर जाकर इसको ये वाला फॉन्ट है ये वाला सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद राइट पर क्लिक कर देते हैं। सो गाइस इसका साइज़ को यहाँ पर 64 रख के राइट कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे रख के यहाँ से ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको एक बार टैप कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेंगे। कॉपी लेयर करने के बाद बीट पर जाके इसको इस प्रकार से टैप करके ऐसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो ड्यूरेशन पर जाकर ऐसे ला लेंगे, ठीक है। इतना कर लेते हो, उसके बाद इसका जो टैक्स है उसको एडिट कर देना है, तो यहाँ से मैं कट करके यहाँ से लिख देता हूँ खत। खत लिखने के बाद सिंपल से मैं यहाँ पर राइट पर क्लिक कर दे रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पर हम टोटल 4 लिरिक्स बना चुके हैं, ठीक है। तो पांच वाले लिरिक्स बनाने के लिए सिंपल सा फर्स्ट वाले पर जाना है, ठीक है। हमको यहाँ पर फर्स्ट वाले पर जाना है, इस पर टैप करना है, टैप करने के बाद ऐसे कॉपी लेयर कर लेना, कॉपी लेयर करने के बाद पाँचवें बीट पर जाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे टैप करके इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट लेयर करने के बाद यहाँ से इसको ड्यूरेशन पर जाकर ऐसे राइट साइड ला लेना, ठीक है। इतना कर लेते, उसके बाद यहाँ पर एडिट टेक्स्ट पर जाकर इसका कट करके यहाँ से कट करने के बाद यहाँ पर टैप कर दिए हो, उसके बाद राइट पर क्लिक कर देना है। सो गाइस यहाँ पर आपको सिंपल से इसको कॉपी पेस्ट करके आप बना लेना, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर गजल वाले पर जाना है, ठीक है। मूव वाले को लेके आना कॉपी करके, इसके बाद पेस्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पर गजल लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इस पर एडिट टेक्स्ट पर जाकर यहाँ पर हम सिंपल से इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद यहाँ पर हम गजल लिख लेते हैं, ठीक है। गजल लिख लेने के बाद इसका जो फॉन्ट है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो रोबोट डेवलपर पर जाकर व्यू ऑल फॉन्ट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करके इम्पोर्ट को हटा देते हैं, उसके बाद इम्पोर्ट फॉन्ट पर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका फॉन्ट है यहाँ से इसको ऐड कर लेना, ठीक है। मेरा फॉन्ट पहले से ऐड था इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद इम्पोर्ट पर जाकर अपना जो फॉन्ट है यहाँ पर ये वाला फॉन्ट मैंने यूज़ किया था, तो इसको यहाँ से ऐसे टाइप कर देंगे, उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा राइट पर क्लिक कर देते हैं। सो गाइस ये वाला फॉन्ट को गजल बस में यूज़ करना, ठीक है, और बाकी में पुराना वाला फॉन्ट को ही यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट करके इतना बना लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद प्लस पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारा जो मेन फॉन्ट मेन लाइन है उसको बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ चल, ठीक है। चल के बाद इसको थोड़ा सा जगह दे देंगे, स्पेस कर देंगे, ठीक है, इतना। उसके बाद और नीचे जाएंगे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मेरे, ठीक है। मेरे लिखने के बाद सिंपल सा हम यहाँ पर इसका जो फॉन्ट उसको चेंज करने वाला है, तो फॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। रोबोट रेगुलर पर जाकर व्यू ऑल फॉन्ट पर जाएंगे, उसके बाद 3 लाइन पर जाकर इंपोर्ट को हटा देंगे। उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट फॉन्ट पर जाकर इस टाइप से यहाँ पर जो भी फॉन्ट है आपका सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। मेरा पहले से सेलेक्टर था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये वाला फॉन्ट यूज़ किया था, दिखा दे रहा हूँ ये वाला, ठीक है। राइट सिंपल से इसको यहाँ पर इसका साइज को 40 रख लेंगे। 40 रखने के बाद सिंपल सा राइट पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। राइट पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसमें मूव अगर ऐड करना है तो उसके लिए सिंपल सा इस पर टैप कर देंगे। सो गाइस ये अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर इस पर क्लिक करके बॉर्डर एंड शैडो पर जाकर स्टॉक को ऑन कर देंगे और ऐसे 0 कर लेंगे, ठीक है। इतना कर लेते हैं, उसके बाद इसमें मूव अगर ऐड करना है तो मूव ट्रांसफर पर जाएंगे, ठीक है। तो मूव ट्रांसफर पर जाने के बाद ये वाला मूव है, ठीक है। तो इसको एक प्लस ऐड कर देंगे फर्स्ट पर और बीच पर एक प्लस, ठीक है। बीच पर एक प्लस ऐसे देख लेना, ठीक है। इस टाइप से आपको बराबर कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद एंड पे यहाँ पर एक प्लस ऐड करने वाले हैं, एंड पर एक प्लस ऐड कर दिए। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट वाले प्लस पर आकर इसको यहाँ से लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, ठीक है। ऐसे बराबर लेफ्ट साइड लेके जाना, ठीक है। उसके बाद इतना कर लेते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर बीच वाले को ऐसे रहने देना, लास्ट वाले पर जाकर इसको भी यहाँ पर लेफ्ट साइड ही लेके जाना, ठीक है। इस टाइप से लेके जाओगे, उसके बाद फर्स्ट वाले और बीच वाले दोनों के बीच में आकर कप को ऐसे ऑन कर देना, ठीक है। इस प्रकार से आपको कप को ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पर ट्विटर पर क्लिक करके कॉपी कप कर लेना,
उसके बाद यहाँ पर बीच वाले और लास्ट वाले के एंड में दोनों के बीच में जाके इसको ऐसे पेस्ट कर देना, ठीक है, ऐसे नीचे कर देना सीजर पर क्लिक करके। तो बस इतना कर लेते हैं, उसके बाद इसका फर्स्ट पे आ जाना। फर्स्ट पे आ जाने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना, उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो यहाँ से जो हमारा लिरिक्स था वो है 7, ठीक है, तो यहाँ से मैं 7 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करके बराबर कर लिया। उसके बाद यहाँ पर रोबोट रेगुलर पर क्लिक करके जो आपने गजल पर फॉन्ट यूज़ किया था वही फॉन्ट आपको यहाँ पर भी यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका साइज़ को 40 रख के राइट कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से कर लिए। उसके बाद यहाँ पर हमको मूव ट्रांसफर पर जाना होगा, ठीक है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर मूव ट्रांसफर पर गए। उसके बाद यहाँ पर मूव वाले ऑप्शन पर जाकर इसको फर्स्ट पे 1+ और बीच पर ऐसे 1+ लगा देंगे, ठीक है, इस प्रकार से बराबर करके। उसके बाद लास्ट पे 1+, उसके बाद फर्स्ट वाले प्लस पर आकर इसको राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे इतना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेम आपको लास्ट वाले बीच वाले को ऐसे रहने देना, उसके बाद लास्ट वाले पर जाकर भी आपको ऐसे ही लेके जाना है राइट साइड, ठीक है, इतना कर लेते हो। सो गाइस यहाँ पर हम कप को यहाँ पर ऑन करने वाले हैं, तो फर्स्ट और बीच वाले दोनों के यहाँ पर दोनों के बीच पे कॉल सेट को रख के इस प्रकार से कप को ऐसे आपको सेट कर लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे अच्छे से सेट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट है, थ्री डॉट पर क्लिक करके कप को कॉपी कर लेना, ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लिया कप को। उसके बाद यहाँ पर बीच वाले और लास्ट वाले दोनों के बीच पे जाके इसको ऐसे पेस्ट कर देना और सीजर पर ऐसे क्लिक कर देना तो नीचे के साइड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले लेयर पर क्लिक कर देना, मूव ट्रांसफर पर जाना। उसके बाद यहाँ पर हम रोटेट ऐड करेंगे, तो रोटेट वाले ऑप्शन पर जाकर 1+ ऐड कर दिए, बीच पे 1+ और लास्ट पे 1+, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट वाला प्लस है उसमें हमको यहाँ पर -10° कर लेना है, उसके बाद बीच को ऐसे रहने देना, लास्ट पे आपको यहाँ पर +10° कर देना, ठीक है, इस प्रकार से कर लेते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे वाले लेयर पर क्लिक कर देना होगा, यहाँ पे भी हम रोटेट ऐड करेंगे, तो मूव ट्रांसफर पर जाने के बाद यहाँ पर रोटेट पे आए, उसके बाद यहाँ पर 1+ ऐड कर दिए, उसके बाद बीच पे 1+ और लास्ट पे 1+, ठीक है। सो गाइस आपको फर्स्ट वाले की पे आना, फर्स्ट वाले की पे आने के बाद यहाँ पर इसको -10° कर देना, ठीक है, 10° करने के बाद बीच को ऐसे रहने देना, लास्ट वाले को यहाँ पर आपको 10° प्लस कर देना, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको इस टाइप से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले लेयर पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है, ऊपर वाले लेयर पर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद इसका जो बॉर्डर एंड शैडो है वहाँ पर जाकर आपको इसको इनेबल कर देना, ठीक है, स्टॉक को इनेबल कर देना। उसके बाद यहाँ से इसको 0 कर लेना, ठीक है, 0 करने के बाद इस टाइप से हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कंप्लीट हमारा बन चुका है, ठीक है, लास्ट लिरिक्स भी कंप्लीट बन चुका है, ठीक है। ऐसे क्लिक करके यहाँ पर इसको इस टाइप से ला लेना, ठीक है, इस पर भी क्लिक करके इस टाइप से ला लेना, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम परफेक्ट बन चुका है, देख सकते हो, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ प्ले करके, ठीक है। यहाँ पर साउंड को मैं म्यूट रख रहा हूँ क्योंकि साउंड को यहाँ पर मैं ऑन नहीं कर सकता, ठीक है, तो इस प्रकार से कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा बैक जाना है, बैक जाने के बाद सो गाइस आपका जो डिस्क्रिप्शन से आप इंपोर्ट किए थे टैक्स इफेक्ट प्रीसेट उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फर्स्ट वाले लिरिक्स पर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसका जो इफेक्ट पे जाना, इफेक्ट पे जाने के बाद कॉपी इफेक्ट कर लेना, ठीक है, कॉपी इफेक्ट करने के बाद बैक जाना, बैक जाने के बाद यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर जाना, ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट है उस पर जाना यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको टैप करके यहाँ से इफेक्ट पर जाने के बाद पेस्ट इफेक्ट कर देना, ठीक है, पेस्ट करने के बाद सब में ऐसे पेस्ट कर देना। मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाला है, ठीक है, यहाँ पर चल 7 मेरे पे, यहाँ पर 7 वाले पे पेस्ट कर देना, ठीक है, और चल मेरे लिखा है उस पर पेस्ट नहीं करना, ठीक है, बैक जाना। बैक जाने के बाद इसका जो इफेक्ट है वो अलग से है, ठीक है, तो यहाँ से चल मेरे पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका इफेक्ट को कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद देन आपको यहाँ से आपका जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर चल मेरे वाले लेयर पर क्लिक करके इफेक्ट पर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे पेस्ट करने के बाद सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा लिरिक्स था वो कंप्लीट बन चुका है। इसमें हम वाटर वगैरह इफेक्ट भी यहाँ पर लगा दिए जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है, इस टाइप से आप भी कर लेना। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा इसको राइट साइड के कॉर्नर पर क्लिक करके सिंपल सा इसको एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है, तो ऐसे क्लिक करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट होने के बाद जैसे एक्सपोर्ट हो जाता है यहाँ से इसको लेफ्ट साइड की तरफ सेव आएगा, ठीक है, उस पर ऐसे क्लिक कर देना तो सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेट ऑन करके सुपर वीपीएन को ओपन करके ऐसे कनेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कप कैट है उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ठीक है जो वीपीएन है उसको तो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, बिल्कुल। सो गाइस आप वीपीएन को कनेक्ट करने के बाद ही कप कैट को यूज कर पाओगे, तो यहाँ से बैकग्राउंड को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है।
है। उसके बाद वीडियो वाले लेयर पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑडियो करने के बाद ऑडियो जो है अलग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमको इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है, और जहाँ पर भी हम एनिमेशन नहीं लगाए हैं वहाँ पर हमको कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से लेयर पर क्लिक करके ऐसे स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। एक स्प्लिट किया, ठीक है। उसके बाद दोनों के बीच पे आके एक स्प्लिट कर दे, उसके बाद लास्ट पे भी एक स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो दो लिरिक्स था वहाँ पर, एनिमेशन नहीं लगाया था, तो वहाँ पर हम 3 स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी यहाँ पे दो लिरिक्स था वहाँ पर ऐसे स्प्लिट कर दिए, ठीक है। दोनों के बीच पे जाके एक स्प्लिट और कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट पर भी एक स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से कट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो दो और लिरिक्स था वहाँ पर भी हमने एनिमेशन ही लगाया था, तो इस प्रकार से हम इसको भी यहाँ से स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पर जाएंगे, इस प्रकार से स्प्लिट कर दिए। इसके बाद बीच पे जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से स्प्लिट कर दे, जहाँ से एंड होता है वहाँ पर स्प्लिट करते जाना है, ठीक है। फर्स्ट और एंड पे दोनों पे आपको स्प्लिट कर देना है, ठीक है। यहाँ से भी हम इसको अच्छे से यहाँ पर प्रॉपर देख लेते हैं, इस प्रकार से स्प्लिट कर दे। इसके बाद इसको जूम आउट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो एनिमेशन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। एनिमेशन पर क्लिक करके यहाँ पर मेरा कुछ ओपन हो गया, एनिमेशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हम सिंपली राइट वाले कॉम्बो पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एनिमेशन है यहाँ पर ओपन हो जाता है। ओपन हो जाने के बाद हमको यहाँ से जो हमारा एनिमेशन था उसको लगा लेना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर टोटल 6 कट किया है, ठीक है। हमने टोटल यहाँ पर 9 कट किया था, जिसमें से हमारा जो 6 कट है वो सिंपल से बन गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो 6 एनिमेशन लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एनिमेशन था वो डिस्टर्शन नहीं, यहाँ पर स्लिप एंड साइड 2 था, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पे स्लिप एंड साइड 2 लगा दिए, उसके बाद सेकंड वाले पे स्लिप एंड साइड 1 लगा देंगे, इस टाइप से लगा देंगे। उसके बाद जो 3 वाला है, 3 वाले कट पर जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर हमको डिस्टर्शन लेफ्ट लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इफेक्ट डिस्टर्शन लेफ्ट लगा रहे हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पर लगा दिए। उसके बाद 4th वाले पे डिस्टर्शन राइट लगा देंगे, ठीक है। इस टाइप से लगाने के बाद 5 वाले पे जाएंगे, स्लिप एंड साइड 2 लगा देंगे इस पर, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा ये अंदर के साइड है, तो ऐसे स्लाइड करके देख लेना, ठीक है। आप कोई भी इफेक्ट भी लगा सकते हो अपने मन से। तो यहाँ पर मैं जो मेरा वीडियो है उसके हिसाब से लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्लिप एंड साइड 2 लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर 6 वाले पे स्लिप एंड साइड 1 लगा देंगे, ठीक है। इस टाइप से मैं प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर वॉइस म्यूट है, ठीक है। जो सॉन्ग है उसका वॉइस म्यूट है, ठीक है। इस प्रकार से बन जाएगा, एकदम बेहतरीन लगेगा, ठीक है। इस टाइप से बन गया। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड पे कॉर्नर पर क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपका जो FPS वगैरह है इसको बढ़ा के एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है। सो गाइस सिंपली यहाँ पर नोट वीडियो को ओपन करते हैं, उसके बाद प्लस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर वीडियो का रेशो 9:16 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर FPS को यहाँ पर कट करके 60 FPS रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मीडिया के बाद वीडियो, उसके बाद जो भी कप कैट से आप यहाँ पर वीडियो एक्सपोर्ट किए थे उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे के साइड कॉल सेट है उसको ऐसे मूव करना, ठीक है। इस प्रकार से जो वीडियो है यहाँ से आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले प्लस पर क्लिक कर देना, उसके बाद यहाँ से सर्च करना ग्लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली सर्च कर रहा हूँ ग्लो। तो गाइस यहाँ पर आपको ग्लो पर टैप कर देना। ग्लो पर टैप करने के बाद थ्रेशोल्ड को ऊपर के साइड लेके जाना। ऊपर के साइड लेके जाओगे तो इसको यहाँ पर 0.40 सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड इस पर क्लिक करके जैसे क्लिक कर दोगे, उसके बाद यहाँ पर इसका जो रेजुलेशन है, रेजुलेशन को अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग कर लेना। तो यहाँ पर मैं 1080p और क्वालिटी को वेरी हाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर ग्रीन बटन पर टैप कर दूंगा, तो इस पर टैप करने के बाद मेरा जो वीडियो है यहाँ से एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, तो जरूर से एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं ऐसी एक ट्यूटोरियल वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।